हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि योग से रिलेटेड है। आपको बता दूं कि पंचायती राज विभाग में हर ज़िले में लगभग एक नोटिस भेजा जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 16 से लेकर 21 तक ब्लॉक स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर योग कराया जाएगा, जिसमें मेन भूमिका पंचायत सहायक की रहेगी जो कि अपने ग्राम पंचायतों में 16 से लेकर 21 तक योग कराएंगे। इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कराया गया है जिसका नाम है आयुष कवच। आपको क्या करना है कि जो भी आप योग कराएंगे उसकी जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी फ़ोटो होंगे, सारे चीज़ उस पर अपलोड करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उस पर कार्य कैसे करेंगे, फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आप पूरी जानकारी को समझ पाएंगे। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर ये देखिए सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है आयुष कवच, AYUSHKAVACH, आयुष कवच। जैसे लिख के सर्च करेंगे आप तो ऊपर एक ये आयुष कवच कोविड करके ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ से इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ये ओपन का ऑप्शन दे दिया है, आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे ये आपका आयुष कवच जो ऐप है वो पूरा खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इसको नीचे देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से। नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल करने का ऑप्शन है आगे बढ़ाने का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते रहिए आगे, जैसे आगे बढ़ेंगे आप यहाँ फिनिश का ऑप्शन है नीचे, ये देखिए यहाँ फिनिश है, आपको ये फिनिश पर क्लिक करिएगा। तो ये आपका अब इसमें दिया है सेलेक्ट लैंग्वेज, आपको जिस भी भाषा में चयन करना है, इसमें इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी। आप चयन करने के बाद आप इसको, जैसे मैंने इसको हिंदी कर लिया, हिंदी करने के बाद मैंने इसको प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड के बाद ये मांग रहा है आपका लॉगिन, या अगर आप पहले से पंजीकृत हैं तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो आप यहाँ देखिए लिखा है नीचे पंजीकरण करें पर ऑप्शन, तो पंजीकरण करने पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें आएगा आपका पूरा नाम और आपका मोबाइल नंबर, ये लिख के यहाँ पर पंजीकरण करना है आपको। जैसे आप पंजीकरण करेंगे तो OTP मांगेगा, जैसे मेरा पहले से पंजीकरण है तो मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे लॉगिन पर मैं क्लिक करूँगा तो एक नंबर मांगेगा कि आप किस नंबर से लॉगिन आपका है, तो मैं यहाँ अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। नंबर डालने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये उसी मोबाइल नंबर पर आपको OTP भेज देगा, एक वो OTP आपको डालना है। यहाँ पर मैं, मेरा OTP ऊपर आ गया है, मैं OTP यहाँ पर डाल रहा हूँ। वो OTP डालने के बाद अभी जमा करें पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका पूरा आपका पंजीकरण यहाँ पर इसमें कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको जिस ऑप्शन पर काम करना है वो ऑप्शन है ये अमृत योग माह, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आगे आपका तीन ऑप्शन आएगा, व्यक्तिगत योग पंजीकरण, समूह योग पंजीकरण और आपके पंजीकरण। ठीक, तो हमको करना है जो पंजीकरण करना है वो करना है समूह योग पंजीकरण पर। समूह योग पंजीकरण पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका पूरे फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको लिखा रहेगा जिले का चयन करें, मतलब किस जिले से हैं आप, फिर पूरा नाम, फिर आपका दूरभाष नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर, फिर संगठन का नाम मतलब आपके विभाग का नाम। तो हम चयन करेंगे इसमें, जैसे आपको जिस भी ज़िले से हो, जैसे मेरा जो ज़िला है वो देवरिया है तो मैं देवरिया पे सेलेक्ट करूँगा। फिर पूरा नाम पूछा है, पूरा नाम आपका जो भी नाम हो, मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, मैंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया। फिर दूरभाष नंबर यानी आपका अपना मोबाइल नंबर, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पे दिया गया है संगठन का नाम, तो आप जिस भी विभाग से हैं वो विभाग आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं पंचायती राज विभाग से हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश। ये नीचे आ गया कि प्रतिभागियों की संख्या, जिस दिन योग कराए थे उस दिन पुरुषों की संख्या कितनी थी, आपको यहाँ पर पुरुष की संख्या, यहाँ पर महिला की संख्या, अन्य में वो होंगे जो बच्चे हैं हमारे, जो योग कर रहे हैं बच्चे हैं उनके संख्या यहाँ पड़ेंगे। तो ये जैसे हम ये सब भर देंगे उसके बाद हमको ऑप्शन आएगा फाइल फ़ोटो अपलोड करें, ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम आपको सेलेक्ट फाइल पर
हमको क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहले आ रहा है सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम गैलरी, यानी आप पहले से फ़ोटो जो लिए हैं वो आप गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तत्काल योगा हो रहा हो उसका फ़ोटो लेना हो तो कैप्चर एन इमेज, ये ऑप्शन पहला है। सेलेक्ट ए फाइल फ्रॉम गैलरी, यानी आप गैलरी से लेना हो तो इस पर क्लिक करिए। तत्काल फ़ोटो आपको खींचना हो तो आप कैप्चर एन इमेज पर क्लिक करिए। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम गैलरी करिए, आपको जो भी फ़ोटो अपलोड करना हो। मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया, इसमें लिया है फाइल सेलेक्टेड हो गया, तो यहाँ पर ग्रीन हो गया पूरा, देखिए हरा हो गया। उसके बाद आपको करना है ये जोड़ना, नीचे लिखा है आपको जोड़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम जोड़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, ये आपका कंप्लीट माना जाएगा इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि आयुष कवच ऐप पे आपको कार्य कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पंचायत साइंस से संबंधित लेटेस्ट अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।